शाहरुख खान, ये नाम ही काफी है। सिनेमा की बुलंदी पर वो शोहरत, वो ग्लैमर बयां करने के लिए, ये बताने के लिए यही हीरो है बॉलीवुड का किंग खान। किंग का ये खिताब ये बताने के लिए काफी है शाहरुख हिंदी सिनेमा के कितने बड़े स्टार है। तब ये कहानी और दिलचस्प हो जाती है जब हम सुनते हैं इस शाहरुख का तो बंबई में गॉडफादर क्या रहने तक का ठिकाना नहीं था। तो आज आपको बताते हैं बॉलीवुड का बादशाह कैसे बन गया वो दुबला सा, लंबे और बेतरतीब बालों वाला शाहरुख। दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल में पढ़े थे शाहरुख, तब उनके पिता ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े थे। मुश्ताक शेख की लिखी किताब शाहरुख कैन में उन दिनों को याद करते हुए शाहरुख कहते हैं, तब स्कूल के दोस्त उन्हें ट्रक ड्राइवर का बेटा कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन पिता ताज मोहम्मद उन्हें स्कूल में बेहतर कर खुद को साबित करने का हौसला देते। स्कूल और कॉलेज के दिनों में शाहरुख का खेलों के प्रति जबरदस्त लगाव था, वो हर खेल में जी जान लगा देते थे। शाहरुख जितनी अच्छी फुटबॉल खेलते थे उतनी ही नफासत से क्रिकेट, विकेट कीपिंग में उनका कोई जवाब नहीं था। हॉकी के मैदान पर जब शाहरुख सेंटर फॉरवर्ड से उतरते तो उन्हें रोकने वाले विरले ही होते। कॉलेज के दिनों में शाहरुख ने कई मैच अकेले अपने दम पर जीते। नाटकों में हिस्सा लेना शाहरुख ने अपनी एक स्कूल टीचर का दिल जीतने के लिए शुरू किया था। उस टीचर के करीब रहने का जब कोई और बहाना नहीं सूझा तो मैडम के साथ थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। शाहरुख अपनी माँ की नजर में एक हीरो थे, इसलिए एक बार उनकी माँ उन्हें देव साहब की फिल्म जोशीले दिखाने ले गई थी। इसके बाद फिल्मी पार्टियों में ले जाना, लोगों से शाहरुख को मिलवाना माँ फातिमा ने ही शुरू किया। एक बार मशहूर निर्माता निर्देशक रामानंद सागर दिल्ली आए तो फातिमा ने शाहरुख का परिचय कुछ यूं दिया था, ये है मेरा बेटा शाहरुख, इसे फिल्मों में आजमा कर देखिए, ये एक दिन बड़ा हीरो बनेगा। शाहरुख खान शुरू में तो बड़े उत्साह के साथ नाटकों में हिस्सा लेते रहे, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, इसके बिना घर कैसे चलेगा, मोहब्बत का अंजाम शादी तक कैसे पहुँचेगा, इस चिंता की वजह थी गौरी, जिन्हें दिलो जान से चाहने लगे थे शाहरुख। पर्दे पर रोमांस को यादगार बनाने वाले शाहरुख असल जिंदगी में गौरी को प्रपोज करने की हिम्मत डेढ़ साल तक नहीं जुटा पाए। एक दिन गौरी को उनके घर ड्रॉप करने गए तो कुछ हौसला दिखाया, आई लव यू गौरी, एक दिन तुमसे शादी जरूर करूंगा, और शाहरुख ने ऐसा कर दिखाया। लेकिन तब तक गौरी दिल्ली छोड़ मुंबई जा चुकी थी। ऐसे में अपने प्यार की तलाश और एक्टिंग का सपना लिए शाहरुख एक दिन मुंबई आ गए। काफी स्ट्रगल के बाद लेक टंडन ने उन्हें दिल दरिया नाम के सीरियल में मौका दिया था। हालांकि उस सीरियल में शाहरुख को नोटिस नहीं किया गया था, लेकिन दूसरे सीरियल फौजी में कैप्टन अभिमन्यु सिंह का किरदार शाहरुख खासा पॉपुलर हुआ। शाहरुख की जिंदगी में 1992 का वो साल, उस साल पांच फिल्मों में हीरो बनकर सिनेमा के पर्दे पर छा गए शाहरुख। माँ फातिमा के देखे सपने के मुताबिक बिल्कुल चॉकलेटी हीरो। फिल्म दीवाना के रोल के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यूट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। बंबई में सपना ढूंढने आए शाहरुख किसी शहर के होकर रह गए, और उन्हें चाहिए थी सोलो हीरो वाली फिल्म। हेमा मालिनी की फिल्म में ये मौका मिला तो हीरोइन का रोल अहम होते हुए भी दिल आशना है साइन कर ली। शाहरुख के साथ फिल्मी किरदारों की फितरत जैसे खुद ब खुद बदल जाती है, जितनी संगीन नफरत उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत की हसरत। ये शाहरुख की अदाकारी का कमाल था कि उनकी एंटी हीरो रूप पर फिट बैठती कहानियाँ लिखने का सिलसिला चल पड़ा। बाजीगर और डर के बाद अंजाम जैसी फिल्म इसी एंटी हीरो को सलाम करती है। डर के बेजोड़ कामयाबी के बाद शाहरुख यशराज बैनर के हीरो बन गए। इस बैनर के मालिक यश चोपड़ा पर्दे पर मोहब्बत की कई कामयाब कहानियाँ गढ़ने में माहिर थे। शाहरुख में उन्हें अपने अफसाने में नए दौर का रोमांटिक का नायक दिखा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का NRI राज मल्होत्रा, बस इसके बाद से शाहरुख की जिंदगी एक आम इंसान से बॉलीवुड के बादशाह बनने तक में बदल गई।